आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थिति पाठक। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बावजूद इसके देश में किसानों की स्थिति हमेशा से ही खराब रही है। राज्यों की सरकारें भले ही ये दावा करें कि वो किसान हितैषी हैं और अन्नदाताओं की स्थिति सुधारने के लिए कड़े प्रयास हो रहे हैं, हालांकि जमीन पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। इसका एक उदाहरण अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल प्रदेश के सभी किसान अब तक अपनी धान नहीं बेच पाए हैं और धान खरीदी की मियाद खत्म होने जा रही है। सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर गौर फरमाएं तो प्रदेश सरकार 15 फरवरी के बाद धान खरीदी नहीं करेगी। हालांकि दूसरी ओर भूपेश सरकार के कुछ और मंत्री ये बात कर रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से धान खरीदी की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में अब वो किसान बेचैन हैं जिनकी धान अब तक सोसाइटियों में नहीं आई है और उन्हें डर सता रहा है, कहीं उनकी धान 15 फरवरी तक नहीं खरीदी जा सकी तो फिर वो करेंगे क्या। इधर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि सभी किसानों का धान न खरीदना क्या सरकार की वादाखिलाफी नहीं होगी। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मंत्रियों के बीच आपसी तालमेल की कमी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके बयानों में विरोधाभास क्यों। इस पर आज विस्तार से बात होगी, साथ ही रुख मध्य प्रदेश का भी करेंगे जहां ब्यावरा थप्पड़ कांड ने एक बार फिर पूल पकड़ लिया है। दरअसल सीएए के समर्थन रैली में बवाल के बीच भाजपाइयों को थप्पड़ जड़ने वाली राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता सहायक सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारने की दोषी पाई गई है और गृहमंत्री ने मामले की डीजीपी से रिपोर्ट लेते हुए उचित कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि कलेक्टर पर कार्रवाई होगी या नहीं इस पर सवाल है। दरअसल मामला कलेक्टर से जुड़ा है और आईएएस लाबी फिर एकजुट होती दिख रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कानून दरकिनार हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर सिस्टम बनाम सिस्टम हो जाएगा। मुद्दा बड़ा गंभीर है, लिहाजा आज इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ क्योंकि यहां धान पर धौंस ने हजारों किसानों को परेशानी में डाल दिया। तो बात जब किसान की आती है तो राजनीति अपने आप जोर पकड़ लेती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से खाद्य मंत्री ने एक बयान ने प्रदेश के हजारों ऐसे किसानों की चिंता बढ़ा दी जिन्होंने अब तक अपनी धान नहीं बेच पाई है। दरअसल अमरजीत भगत ने कहा है कि 15 फरवरी के बाद धान खरीदी नहीं की जाएगी। हालांकि उनके इस बयान के बाद कुछ और मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि परिस्थितियों को देखते हुए तारीख बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि फिर खाद्य मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया और खाद्य मंत्री ने जब कुछ बोला है तो बाकी मंत्री उनकी बात का खंडन क्यों कर रहे हैं। क्या मंत्रियों में मतभेद है, उनमें तालमेल की कमी है? क्योंकि मामला किसानों से जुड़ा है लिहाजा बीजेपी ने इसे फौरन लपक लिया और सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बहरहाल धान पर धौस के मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट। किसानों का धान पूरा खरीदा जाएगा या नहीं, धान खरीदी की मियाद 15 फरवरी से आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं, ये वो दो बड़े सवाल हैं जो अब हर किसान के जहन में है जिनकी धान अभी तक सोसाइटी में नहीं पहुंची है। मंत्रियों के बयानों ने अन्नदाताओं की इस उलझन को और बढ़ा दिया है। भूपेश बघेल की सरकार ने धान खरीदी में आ रही दिक्कतों को देखते हुए मंत्रिमंडलीय उप समिति कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनाई थी। मुख्यमंत्री ने खुद इन्हें सभी जिलों में जाकर धान खरीदी का जायजा लेने का जिम्मा दिया था, लेकिन रविन्द्र चौबे का हेलीकॉप्टर एक ही दिन में उड़कर खामोश हो गया। इस बीच स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान खरीदी की तारीख 15 फरवरी से आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 85 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले सरकार ने करीब 69.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कर ली है। हालांकि दूसरी ओर सरकार की ही वरिष्ठ मंत्री टीएस सहदेव धान खरीदी की मियाद बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। साथ ही सहकारी मंत्री प्रेमसाय सिंह ने भी जरूरत पड़ने पर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की बात कही है। मुझे लगता नहीं है कि बढ़ाने की नौबत आएगी क्योंकि छोटे किसान थे, सब लोग अपना धान बेच चुके हैं, अब बड़े खातेदार रहे हैं। लेकिन मौसम और ये सब हालात को देखते हुए अगर किसानों के पास धान बाकी है
तो सरकार विचार खुला भी रख सकती है, विचार खुला रखना भी चाहिए। जितने हमारे किसानों की पंजीयन हुआ है और जितने उनके सभी की 15 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करना है, अगर आवश्यकता हुई तो उसको बढ़ाई भी जा सकती है। धान खरीदी पर मंत्रियों के बयानों में मतभेद है, लिहाजा किसानों में भ्रम की स्थिति बन रही है। इधर बीजेपी ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के मुताबिक सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, बेमौसम बारिश की वजह से किसान समय से धान नहीं बेच पा रहे। सरकार के आपने खुद घोषणा किया था कि उनके एक एक दाना धान खरीदेंगे, ये तो आपने साबित कर दिया कि आप अपने वादे से मुकर गए। बहरहाल इन सबके बीच बड़ा सवाल तो ये है कि प्रदेश के किसान जो बेमौसम बारिश से पहले ही परेशान हैं, अब मंत्रियों के विरोधाभासी बयान से क्या वो भ्रमित नहीं होंगे। हालांकि अब देखना ये भी अहम होगा कि क्या किसानों की समस्याओं को समझते हुए सरकार धान खरीदी की तारीख को बढ़ाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। धान पर धौस, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं। चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता संदीप शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ स्वराज स्थित छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल और हमारे भोपाल स्टूडियो स्वराज स्थल के संपादक के अग्निहोत्री जी, आप लोग भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पहले मुद्दा चंद्रशेखर जी आपसे ही है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 6-7 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात होगी, आपके ही प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने एक कमेटी बना दी है मंत्रियों की और वो मंत्री घर घर जाएंगे, हर किसी मंडी में जाएंगे और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो ये देखेंगे, धान तो खरीदेंगे ही, जरूरत पड़ेगी तो तिथि भी बढ़ाएंगे। अब क्या हो गया? हालांकि मेरे मनोज जी ने भी बताया कि रवीन चौबे जी एक दिन हेलीकॉप्टर से गए, लौट आए, बाकी मंत्री कहाँ गए, कितनी बार गए, कितनी परेशानी उनकी सही ये कुछ पता नहीं चला। आप ही बता दीजिए कितने मंत्री कहाँ कहाँ गए। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो ये कि आपने जो हेडलाइन या समाचार बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा तथ्यों में न जाके एक आरोप लगाने के दृष्टिकोण से बनाए, और ठीक भी है, लोकतंत्र में एक पत्रकारिता को होता है। कौन सी हेडलाइन प्रयास करना चाहिए, लेकिन कौन सी हेडलाइन चंद्रशेखर जी, कौन सी हेडलाइन बनाई जो मैं तथ्यों पर नहीं? आपने पहले ही कह दिया कि सरकार किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। आपका जो प्रोग्राम था पहले ही कटघरे में खड़ा करना था, जो कि मेरे लिए थोड़ा चिंताजनक और आपत्तिजनक भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में पत्रकारों, चंद्रशेखर जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके मंत्री जी ने कहा है कि 15 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और आपके ही दूसरे मंत्रियों ने किसानों के संबंध में कहा कि बढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर आपके खाद्य मंत्री ज्यादा ऑथेंटिक हैं तो उन्होंने जो कहा, इसलिए मैंने कहा कि अगर वो 15 से ज्यादा नहीं बढ़ा रहे तो अत्याचार हो रहा। जी त्रिपाठी जी, मैं जवाब दूं क्या? जी हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि वर्तमान में 72 लाख मेट्रिक धान छत्तीसगढ़ सरकार खरीद चुकी है, 19 लाख किसानों में 17 लाख 25 हजार किसान अपना धान बेच चुके हैं, लगभग 2.25 लाख किसान बचे हैं जी। और जो हमारा टारगेट है 85 लाख मेट्रिक टन का, जितना पंजीयन हुआ है 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जी, वो लक्ष्य की प्राप्ति हम 15 फरवरी तक कर लेंगे, ये ऐसा खाद्य मंत्री ने कहा है। और कहा यह भी है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन पुनः मैं कह रहा हूं यदि आवश्यकता पड़ी तो बढ़ा देंगे। मंत्रियों में कोई मतैक्य नहीं है। बाबा साहब ने जो कहा कि किसानों को धान खरीदने की समय बढ़ना चाहिए, लेकिन यदि धान बचेगा नहीं तो तारीख बढ़ाने का औचित्य कहां है? यदि नहीं खरीद पाए और किसानों के पास बच गया धान तो तारीख निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, और ये बात तो स्वयं मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि पंजीकृत किसानों का 15 क्विंटल प्रति एकड़ के भाव से जितने भी पंजीकृत किसान है धान हम खरीदेंगे, हम प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, और हमारी सरकार किसानों की सरकार है, वचन निभाने में प्रतिबद्ध सरकार है। इसलिए हमने 2500 भी दिया, कर्ज माफी भी किया और आगे भी हम करके बताएंगे। भगत जी क्यों बोल रहे हैं? हालांकि वो किसान भाई मेरे पास नहीं है। भगत जी क्यों बोल रहे हैं? आपके खाद्य मंत्री, मैं वो बता रहा हूँ, उन्होंने हाँ त्रिपाठी जी, उन्होंने जो कहा वो यह कहा, यदि बचे गए नहीं तो तारीख बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठेगा, ना सूत होगा ना कपास होगा, जुलाहम तो लट्ठा लटम, यदि धान ही पूरा बिक जाएगा तो तारीख बढ़ाने की क्यों बात उठेगी? उनका कहना यह था और यही उन्होंने कहा भी है
जी आप उस बाइट को पूरा ठीक से देखे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, उन्होंने यही कहा कि धान पूरा बिक जाएगा तो तारीख बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, लेकिन यदि नहीं बिका तो तारीख तो बढ़ाएंगे। यही बात तो बाबा साहब भी बोल रहे, यही प्रेम साहब भी बोल रहे, और इस बात को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है, तो प्रश्न नहीं पैदा होता। अच्छा आपकी कमेटी जो मंत्रियों कमेटी थी वो कहाँ कहाँ गई, एक आध दो तो आपको मालूम हो, मैं तो बाहरी आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम, आप तो सरकार के सदस्य है, कहाँ कहाँ गई कमेटी? जांजगीर डबरा गई है। कौन? हाँ मैं बता रहा हूँ, जांजगीर में डबरा गई है, बमनीडी ब्लॉक गई। हाँ कौन कौन जो कमेटी में मेंबर? बमनीडी ब्लॉक गई है, बिलासपुर में उमेश पटेल जी हैं, प्रवीण चौबे जी हैं, मोहम्मद अकबर साहब है और प्रेम साय सिंह जी, और साथ में टामन सिंह सोनवानी कृषि सलाहकार हैं, वह हैं, और इन्होंने दौरा करने के अलावा अन्य मंत्री विधायक भी निरंतर दौरे कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि सब काम ढोल नगाड़ा फीट के किया जाए और प्रोपोगेंडा किया जाए, बकायदा जा रहे हैं, और हमारे संगठन के लोग, मैं किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, हमारे संगठन के लोग भी जाके अपडेट देते हैं। मेरे कहने से कई जगह इंटरलॉकिंग खोली गई है और किसानों को जो दुविधा हो रही थी उसको दूर किया गया है, जहां बोरे नहीं पहुंचे तो वहां बोरा पहुंचाया गया है, जहां परिवहन नहीं वहां परिवहन भी किया। आपकी कमेटी के पांच मेंबर कहां कहां गए? मैं वो पूछ रहा हूं साहब आपसे, कमेटी के पांच मेंबर कहां कहां गए? देखिए मेरे पास पूरा, देखिए त्रिपाठी जी, शुरुआत में जो गए थे उसकी जानकारी मुझे है, उसके अलावा वो लगातार निरंतर दौरा करें, हर चीज का अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि निरंतर दौरे कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह प्रोपोगेंडा करके और फोटोजेनिक करके किया जाए, जब काम निरंतर अच्छा चल रहा है तो काम को अप्रिसिएट कीजिए, ना कि इस बात को कि दौरे कहां कहां हुए। अच्छा तो इसीलिए ये तय किया गया था, उसमें भी विवाद उठा था, कांग्रेस बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता थे उन्होंने कहा विवाद नहीं है, विवाद अनावश्यक बनाया जा रहा है। नहीं सुन तो लीजिए, कोई विवाद नहीं है, विवाद अनावश्यक बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी बंद हो गई और दुकानदारी चलाने का प्रयास कर रही है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा निवेदन है आपसे, मैं वो तो फिर बाकी बीजेपी प्रवक्ता कहेंगे। जी साहब, जी साहब, मेरा निवेदन ये है कि शुरू में भी ये बात उठी थी, आप सरकार ने ये कहा था कि कमेटी के सदस्य जो भी जाएंगे वो बिना किसी जानकारी अनाउंसमेंट के जाएंगे, सदन जाएंगे। इस बात पे बीजेपी ने एतराज जताया था कि आप सदन क्यों जाएंगे, सदन आप बता के जाइए जिससे वहां के किसान वहां पहुंच सके, अपनी समस्याओं के बारे में आपको अवगत करा सके। तो मुझे ऐसा थोड़ा सा अब लग रहा है कि आपने कहा ढिंडोरा पीट के नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि पांचों आपके कमेटी के सदस्य कहां कहां गए। तो चूंकि उन्होंने अब सड़न जाना है, किसी को बिना बताए जाना है, अगर आप दौरा कार्यक्रम बता के जाते तो हमारे वो साथ में जो बीजेपी प्रवक्ता है वो बता देते कि इतने में पूरा छत्तीसगढ़ नहीं हो जाएगा। खैर संदीप जी आप ही उत्तर दे दीजिए चंद्रशेखर जी को, लेकिन आप फिर कह रहे हैं, इसके पहले भी कहा, सारे मंत्री भी कह रहे हैं कि धान खरीदी में अगर नहीं खरीदी जा सकी तो तिथि बढ़ाएंगे, फिर इसमें आपके नेता प्रतिपक्ष को कहने की क्या जरूरत है कि वादा खिलाफी कर दी। अरे वादा खिलाफी तब करेंगे जब 15 के बाद की बात होगी। हाँ संदीप जी कट गया, लाइन कट गया। हाँ जी जी जी, हमारा सवाल यह था, आ रही मेरी आवाज? आ रही है जी। संदीप जी ठीक है, चंद्रशेखर जी पे प्रतिपक्ष का जो काम है वो आप अब करेंगे ही, लेकिन हमारा यहाँ सवाल ये है कि अभी तो 15 तारीख आई नहीं, 5 है, 10 दिन बाकी है अभी। दूसरे मंत्री कह भी रहे हैं, भगत जी ने जो कुछ कहा वो अलग है, चंद्रशेखर जी भी ऑथेंटिक रूप से कह रहे हैं, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 15 तक नहीं खरीदी जा सकी तो आगे तिथि बढ़ाएंगे। फिर इसमें आपके नेता प्रतिपक्ष ने आरोप क्यों लगा दिया कि आपने वादा खिलाफी की है, यानी सरकार ने वादा खिलाफी की है, अभी 15 तारीख बाकी है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक बड़ा पद होता है। फिर कट गया आवाज, फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। संदीप जी मेरी आवाज आ रही है? अभी बीच में कट जाती है, पर हाँ थोड़ा मुख्य रूप से समझ चुका हूँ आपके प्रश्न को। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, देखिए मैं जब नहीं मैं समझ लिया आपके नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगा दिया है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, तो अभी 10 दिन बाकी है, तो ऐसे सीधे आरोप कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, मैं बस जवाब दे रहा हूँ इसका जवाब। एक तो मैं जब बोलूँ तो भाई कोई बीच में मत बोले, मैं बहुत शांति से सुना हूँ, मैं सब सवाल का जवाब दूंगा। जी देखिए ऐसा है,
जी 19.5 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है जी। परसों के सरकारी डाटा के आधार पर रिपोर्ट था कि 4 लाख किसानों से धान अभी तक एक भी बार नहीं बेचा है जी। लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन में ये जो है 2.25 लाख लोगों ने धान बेच दिया, मेरी समझ से बाहर है जी। लेकिन मेरी जानकारी जो है, अगर उस डाटा को हम सही माने जी, जो डाटा सरकारी आया था 4 लाख लोगों ने एक भी बार धान नहीं बेचा है, तो ये गंभीर समस्या है। दूसरी बात जी, इस बार लगभग 67 लाख एकड़ जमीन का पंजीयन हुआ है, 19 लाख किसानों ने 67 लाख एकड़ जमीन का पंजीयन कराया है जी। अगर कहीं 15 क्विंटल धान, जैसा कि बता रहे हैं कि पंजीकृत किसानों से सब लेंगे जी, तो 67 लाख एकड़ जमीन का कुल धान 1 करोड़ टन को पार कर जाता है जी। अब जब पंजीकृत किसान है, उनके जमीन है, तो पहली आपत्ति तो मेरी ये है कि आपको किसने कह दिया भाई 85 लाख टन का आपने लक्ष्य रख दिया है, आपको ऐसा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। मैं पूछता हूं, अगर कि 67 लाख एकड़ जमीन का 15 क्विंटल के हिसाब से धान आता है, तो 1 करोड़ टन धान आता है, आप बाकी 15 लाख मीट्रिक टन धान का क्या करेंगे? क्या आपने उसको नहीं लेने का मन बना लिया है? क्या आप 85 लाख टन धान खरीदने के बाद बंद कर देंगे बोल रहे हैं? तो 15 लाख टन धान कहां बेचेगा? एक मेरा मूल जो आपत्ति इस पर शुरू से है इस सरकार से, कि आपने ऐसा लक्ष्य क्यों रख दिया जबकि किसानों ने 67 लाख एकड़ का। दूसरी बात, इनके मंत्री और जब बीच में धान खरीदी को लेकर के तमाम आपाधापी चली, अनेक बार बारिश के कारण जब धान खरीदी रोकना पड़ा, कंप्यूटर में प्रतिदिन धान खरीदी का जो टारगेट सेट था, जिसके आधार पर 15 फरवरी तक धान खरीदी होती, उसको कई बार रिड्यूस कर दिया गया जी। जिस समिति को प्रतिदिन 4,000 कट्टा धान खरीदना था, उनको 2,000 कर दिए, किसी को 2,200 कर दिए, किसी को 2,800 कर दिए। तो एक जो है, क्या कहना चाहिए, बैकलॉग है ये बहुत सारा। ये बैकलॉग की भर को खरीदने के लिए निश्चित रूप से उस समय कहा गया कि इसकी खरीदी तब होगी जब हम तारीख बढ़ाएंगे। अब समझ ये नहीं आता कि ये बैकलॉग जो खरीदी थी उसको कब उन्होंने पूरा कर लिया। तो निश्चित रूप से आज स्थिति ये है, काफी किसानों का धान बचा है, लोगों के रकबा घटाए जा रहे हैं ताकि धान बेचने ना आ पाए। मेरा अभी भी स्पष्ट मान्यता है कि अगर कहीं सारे किसान, जितने एकड़ जमीन का पंजीयन है जितने किसानों का, तो ये धान खरीदी का लक्ष्य जो है, या धान खरीद जो है 1 करोड़ टन को पार करेगा। आज की तारीख में ये मुश्किल से 56 लाख टन धान की खरीदी हुई है, बाकी का जो बचा धान है, जो कि लगभग 44 लाख टन होता है, जो किसान पंजीयन के आधार पर, इसकी खरीदी ये कैसे करेंगे? पंचायत लगातार इस बात को कहते रहे, मैं बात पूरी हूँ जी, 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 एक प्रश्न है इसमें, आप बात पूरी कहना यह है उसी संदर्भ में है प्रतिप्रश्न, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसके बाद भी आप ही कहेंगे, चंद्रशेखर जी बिल्कुल शांत है, आपने उनके लिए एक तरह से इशारा किया था कि जब मैं सुन रहा हूँ, सुना हूँ प्रेम से, तो ना बोले। जो आपने 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपने 67 लाख एकड़ का जो आपने आकलन किया है, तो जरूरी नहीं है आपने पूरा कि जरूरी नहीं है हर एक किसान पूरे अपने जितनी भी उसकी जमीन है उसमें धान ही बोया हो, धान के अलावा भी कुछ बो सकता है ना? नहीं, मैं त्रिपाठी जी उसको क्लियर कर दूं आपको जी, जी। मैं क्लियर करता हूं उसको जी। त्रिपाठी जी, जी, जी इस जी। बार देखिए, हमारे ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती थी कि हम लोग जितना जमीन किसान बोलते हैं उसको हम पंजीयन कर देते हैं जी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पटवारी हर एक खेतों में गया है किसान के जी। और जिस खेतों में धान बोया है किसान ने, उसका उन्होंने सर्टिफिकेट बना करके दिया है कि किसान ने इतने एकड़ जमीन पर धान बोया है और बाकी जमीन इसका खाली है, दूसरी फसल है जी। तो जिन किसानों का जितने एकड़ में जमीन में धान बोना पाया गया है उसी जमीन का ही पंजीयन हुआ। मैं आपकी जानकारी में बता दूं जी, बहुत स्ट्रिक्टली काम को करवाने की कोशिश इस बार इन्होंने किया है जी। उसके बावजूद भी पिछले साल के 58 लाख एकड़ के तुलना में इस बार 67 लाख एकड़ जमीन में पंजीयन हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमने अपने लेवल पर पता लगाया है, लेकिन आज ही कांग्रेस की जो सरकार है कहीं नहीं बोलती कि हमने 67 लाख एकड़ पंजीयन हुआ है, इसको गोपनीय रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ये डाटा आएगा 1 करोड़ धान का टन का खरीदी का लक्ष्य रखेंगे। अब एक बात आपको मैं कह दूंगा, मंत्रियों के दौरा का उस दिन मैं ही था जब इन्होंने कहा था कि हमारे मंत्री औचक निरीक्षण करेंगे, तब भी मैंने कहा था औचक का क्या मतलब होता है जी। अगर किसानों की समस्या जाननी है तो आप ढोल नंगाड़ा पीट के जाइए, तब तो किसान आएगा भाई अपनी समस्या बताने।
ये लोग चुपचाप गए हैं और कबड्डी में जो क्रॉस लाइन दबाते हैं ना कबड्डी कबड्डी करके, वैसे ये लोग लगता है रात के अंधेरे में या एकदम मुंधेरे जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में एकदम सवेरे 5 बजे कहीं कहीं जा करके क्रॉस लाइन छू करके आ गए होंगे और यही इनका औचक निरीक्षण है। बाकी ये कहीं नहीं गए हैं, आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि कहां पर हेलीकॉप्टर में गए थे उसके बाद सब जो है ढाक के 3 पास हो गया, ये 9 दिन चले हाईकोर्स हो गया, किसान बेहाल है, किसान मर रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है और ये यहाँ पर बैठ करके भौंरा चला रहे हैं, गिल्ली चला रहे हैं, अब आपने किसानों का बहुत विश्लेषण कर दिया, तमाशा चल रहा है। संदीप जी जो आपके आंकड़े आए थे उसको मैंने ध्यान से सुना, उसका उत्तर भी लिया, अब आपने बहुत सारी व्याख्या कर दी, विश्लेषण कर दिया किसानों पे, तो अब उसमें थोड़ा सा कम करें, मुझे मालूम है आप उसमें 2-4 मिनट और व्याख्या कर सकते हैं। हाँ मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? नहीं, मैं पहले जवाब दे लूं त्रिपाठी जी, बहुत सारी बातें संदीप भैया बोल चुके हैं। मनोज जी वैसे थोड़ा सा बता दे, आप ही के पास आना है, देखिए सत्ता आप ही के पास है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, बिना आपके हम जाएंगे कहां? मेरा आग्रह है कि समय रहते मुझे बुला लिया जाए। जी मैं बुला लिया जाए। मनोज मेरी आवाज आ रही? आ रही। क्या वास्तविकता है क्या मनोज जी? अमरजीत भगत जी के बाद जैसा कि हमेशा रहा, वो गरीब की गाय ही के ऊपर पूरी बात आती है। चंद्रशेखर जी ने कह दिया कि आप उसको ढंग से बाइट सुनिए। मैं बाइट सुनते हुए लगभग 20-25 साल हो गया, लेकिन एक बार चंद्रशेखर जी के अनुरोध पे मैं फिर से बाइट सुनूंगा। और अमरजीत मैंने की बात आ गई कि हम लोगों ने तोड़ मरोड़ के उनके पक्ष को प्रस्तुत किया है, अब ऐसे में वास्तविकता है क्या मनोज जी? देखिए सर, 3 तारीख को बिलासपुर दौरे पर थे अमरजीत भगत, उस दौरान वहां पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस बात को साफ साफ कह दिया था कि खरीदी की तिथि बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि समर्थन में उन्होंने ये बात भी कही थी कि 65 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है, 85 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है, 3 तारीख और 15 तारीख के बीच में 12 दिन का और समय है, 12 दिन में जो शेष 20 लाख मीट्रिक टन और खरीदना है वो खरीदी आराम से हो जाएगी। लेकिन फिर भी बात, दो और मंत्रियों की बात हमने सुनी, वो जो है थोड़ा सा उसको सुनने से ऐसा लगता है कि उनकी किसानों के प्रति सहानुभूति है। ठीक, खाद्य मंत्री को भी इसी तरह की भाषा बोलनी चाहिए थी तो उसमें खबर नहीं बनती है। खबर हर अखबारों ने इसको प्रमुखता से उठाया, टीवी चैनलों में भी ये ब्रेक हुआ कि 15 के बाद धान खरीदी का सवाल ही नहीं उठता, ऐसा खाद्य मंत्री का बयान है। जी, वहीं आज टीएस सिंहदेव से इस संबंध में बातचीत की गई, प्रेम साय सिंह टेकाम से बातचीत की गई, उनका कहना था कि आवश्यकता पड़ने पे, इससे पहले मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं, ऐसे में आप सरकार की लाइन से हटके एक अलग लाइन पे बयान देते हैं तो वो विवाद का कारण बनता है। और इसी बात को हमने प्रमुखता से आज इस खबर में उठाया, हमारा मकसद किसी भी तरह से सरकार को घेरना नहीं है और अनावश्यक रूप से केवल मंत्रियों के बयान में जो विभिन्नता दिखाई दी है उसी के आधार पर हमने आज अपने दोनों मेहमानों को बुलाकर इस पर जो है बहस का आयोजन किया। जी मनोज जी, जो संदीप जी ने बात कही है कि उन्होंने आंकड़ा लगाया 67 लाख एकड़ का में धान बोई गई है, बट हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की है संदीप जी ने कि इस बार पहली बार पटवारी एक एक रकबे में गए हैं, यानी इसके पहले पटवारी नहीं जाते रहे हैं, माने भूपेश सरकार थोड़ा सा चिंतित है कि पटवारियों को तागिद किया है कि तुम हर जगह जाओगे, ये संदीप जी ने खुद पुख्ता किया है। लेकिन 67 लाख हेक्टेयर के हिसाब से जो संदीप जी कह रहे हैं कि 1 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान खरीदी जानी चाहिए, इसमें क्या सच्चाई है? चलिए एक बार अग्निहोत्री जी आपके पास आ जाते हैं। जी, क्या आपको क्या लगा, क्या सच्चाई है क्या नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें मंत्रियों के बीच में तालमेल की कमी है और वास्तविकता यही है कि यदि पूरे किसानों के धान नहीं खरीदे जा सके हैं तो जब सरकार ये कहती है किसी भी अनाज के खरीदने के पहले कि हम धान का या अनाज का एक एक दाना खरीदेंगे तो फिर क्यों नहीं इस तरह के विवाद जो है वो सामने आते हैं, क्यों ऐसे विवाद सामने आते हैं कि एक मंत्री ये कहे कि साहब 15 फरवरी जो डेडलाइन है उसके बाद हम धान नहीं खरीदेंगे, तो ऐसी स्थिति में तो ये विवाद होना ही है, ये मतभेद जो सामने आते हैं तो इसमें
मीडिया पर ये दोषारोपण करना कि साहब आपने ये खबर बना दी, आपने ये हेडलाइन बना दी, ये कहीं से भी उचित बात नहीं है, क्योंकि आप जो कहेंगे वही मीडिया दिखाएगा और उसमें कोई आपकी तरफ से यदि विरोधाभास है तो हम क्या करें, हम तो वही दिखाएंगे जो आप कहेंगे तो। लेकिन सवाल जहां तक किसानों का है, तो जब सरकार ये कहती है कि हम धान का एक एक दाना खरीदेंगे, तो फिर धान का एक एक दाना खरीदने तक ये समय सीमा रहनी चाहिए, सरकार को ये तय करना लेकिन चाहिए। अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुई, 10 दिन बचे। हाँ हाँ, लेकिन जिस तरह से खाद्य मंत्री ने ये कहा कि साहब 15 फरवरी डेडलाइन है और लगभग 20 लाख टन धान खरीदना बाकी है जो हम 15 फरवरी तक खरीद लेंगे जी। तो अभी इस तरह का आकलन कर लेना कि साहब ये उस समय सीमा में हो जाएगा जी। यह भी एक अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि जब तक एक एक धान का दाना नहीं बिक जाता किसान का, तब तक आपको समय रखना चाहिए। और ये बाबा सिंहदेव ने भी कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, तो इस तरह की लाइन सरकार से हट करके किसी मंत्री को लेना ये उचित नहीं है, और फिर मीडिया दिखाए तो उसमें भी आपत्ति है जी। सीधे सीधे उन्होंने कहा, पहले बिलासपुर में जैसे मनोज जी कह रहे थे कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 15 तारीख से ज्यादा तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी जी। और फिर बाद में जब हमारे संवाददाता रुपेश जी ने उनसे बात की, अलग से एक्सक्लूसिव बात की, तब उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब उनके मन में है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खरीद ले जाएंगे। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि 85 लाख टन जो संदीप जी आंकड़े दे रहे हैं, 67 लाख एकड़ में अगर धान बोई गई है और हर एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने की बात कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में 1 लाख से ज्यादा खरीदे हैं तब तो 1 करोड़ टन, 1 करोड़ टन से ज्यादा हो जाता है। जी अग्नित्र जी, हम रोकेंगे थोड़ा सा। जी चंद्रशेखर जी, बिल्कुल नाराज मत होइए, आप ही के पास आ गए, उत्तर आप ही को देना है। जी हमारा सवाल यह है कि जो संदीप जी ने 57 लाख जो संदीप जी ने कहा है, जवाब दे देता हूँ। हाँ, संदीप जी ने जो कहा उसका जवाब कि जितना एकड़ आपने पंजीकृत किया है और उतने हिसाब से 1 लाख से ज्यादा। मैंने सुना है त्रिपाठी जी। जी त्रिपाठी जी, मैं बोल लेता हूँ जी। त्रिपाठी जी, संदीप जी ने एक बात ये भी कही कि 67 लाख जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सरकार छुपा के रही है, उनको छुपा के रखी, उनको कन्फर्म नहीं है। मैं आपको बता दूं, 57 लाख गत वर्ष एकड़ था और इस साल 3 लाख एकड़ बढ़ा है, 60 लाख एकड़ में बोनी हुई है, जिसके हिसाब से लगभग 90 लाख मेट्रिक टन धान होता है। हर किसान उतना धान नहीं बोता है जितना बोना चाहिए, कुछ जगह अतिवृष्टि भी हुई है, फसल खराब हुआ है, इसलिए हमने 85 लाख मेट्रिक टन धान का टारगेट रखा है। अफवाह फैलाना संदीप भाई को बहुत अच्छा आता है और आपके लोगों का वो दुरुपयोग करते हैं, आप लोगों को लोग गलत मैसेज डालते हैं जिससे आप लोग भ्रमित होते। हमने 60 लाख मेट्रिक टन धान, 60 लाख एकड़ में 90 लाख मेट्रिक टन धान होता है और जिसमें 85 लाख का हमने टारगेट रखा, और ये अमरजीत भगत ने जो आंकड़ा दिया था वो 31 जनवरी का दिया था, आज 5 फरवरी है जी। 72 लाख मेट्रिक टन खरीद चुके हैं जी। 15 फरवरी तक मैं पुनः बोल रहा हूँ कि 85 लाख मेट्रिक टन धान हमारा खरीदा जाएगा। मैं खुद मंडी समिति का, कृषि समिति का अध्यक्ष हूँ, मेरी सोसाइटी में धान खरीदी आज के तारीख में बंद हो गई, क्योंकि जो लक्ष्य था मेरी समिति में 19,000 मेट्रिक टन का वो पूरा हो चुका है। अकेले मेरी नहीं, धरतीवा में 14 समितियां हैं जिसमें 95% ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है, उठाव हो गया है और धान खरीदी बंद हो चुकी है। यह बात संदीप भैया भी जानते हैं, सारे किसान जानते हैं। अनावश्यक प्रोपोगेंडा खड़ा करना, भारतीय जनता पार्टी के साथ यही समस्या है कि कौवा कान लेगा और सब कौवे के पीछे दौड़ते, कान को छू के नहीं देखता। दुखद यह कि भ्रमित करते हैं लोग, भ्रम जाल फैलाते हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि 67 लाख, कोई 67 लाख पंचायत दीवार खुद बोले गोपनीय रखे। अब गोपनीय रखे तो फिर आपको कहां से पता चल गया? अच्छा, आपको जाके बताएंगे हम दौरा करें जी। अरे हम नहीं करें भैया, आप ही दौरा करके देख लो। चंद्रशेखर जी, हम दौरा नहीं करेंगे, आप ही दौरा करके देख लो, वस्तुस्थिति समझ में आ जाएगी। चलिए चंद्रशेखर जी, हम उनसे उत्तर ले लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कहना जरूरी हो गया है। आपने दो बार आरोप लगा, आरोप लगा रहे, क्या उत्तर लेना है? अरे मैं आपको बता दूं, बात हुई तो हम खरीद रहे हैं। अरे उत्तर तो सुन लीजिए, आपने दो बार आरोप लगा दिया कि एक बार आप लोगों ने पहले क्या उत्तर सुनना है? भ्रम फैला रहे हैं वो। अरे आप मेरा तो सुन लीजिए, आपको भ्रमित कर दिया उन्होंने। अरे मेरा तो सुन लीजिए, आपको भ्रमित कर दिया उन्होंने। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप मेरा तो सुन लीजिए, उनकी नहीं बोले ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ जब से। हाँ, आपने दो बार आरोप लगा दिया, एक बार कह दिया कि आप लोगों ने पहले से कटघरे में खड़ा कर दिया, दूसरी बार आपने कह दिया कि आप लोगों ने भ्रमित कर दिया।
हाँ, दूसरी बार आपने कह दिया कि हम लोगों का दुरुपयोग करते हैं। चंद्रशेखर जी सुनने का भी मापदा रखिए। दूसरी बार आपने कह दिया आपको भ्रमित कर, दूसरी बार आपने कह दिया न्यू प्लांट आने में माहिर लोग हैं। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, दूसरी बार आपने कह दिया कि हम लोगों का दुरुपयोग करते हैं। चंद्रशेखर जी मीडिया पे इस तरह आरोप लगाना गलत है। माना कि तेरे सामने हमारी कोई हस्ती नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा भाई साहब, लेकिन मीडिया बिक जाए इतनी नहीं, भाई साहब भाई साहब आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपकी तारीफ की सुन लो आप, सजग पहरी हैं आप, सुन लो आप, मीडिया पे इस तरह आरोप लगाना आपका गलत है। मैंने फिर दोहराता हूँ कि माना कि तेरे सामने मेरी कोई हस्ती नहीं, मगर ये काया यूं ही बिक जाए इतनी सस्ती नहीं। तो इस तरह आरोप लगाना बंद कर दीजिए। चंद्रशेखर जी आपकी सरकार है, ठीक है जी। संदीप जी ये तो सत्ता का नशा है, बोल रहा है और इनका जो इनकी जो वाणी है वो डोल रही है जी। ये कुछ भी बोलेंगे क्योंकि सत्ता में बैठे जानकारी आप बात कर, गोपनीय जानकारी बात कर रहे हैं, 67 लाख गोपनीय जानकारी आपके पास। अब गोपनीय जानकारी में क्या बात करूं मैं? धैर्य रखो, धैर्य रखो शेखर, ये उचित नहीं है। आप धैर्य रखिए, आपको बोलने का अवसर मिला आपने बोल लिया। आप गोपनीय जानकारी बात कर रहे हैं तो बीच बीच में क्या आपकी सत्ता है तो क्या जबरदस्ती दबाएंगे चंद्रशेखर जी? शांति से सुनना सीखिए। आपने अपना उत्तर भाषा सर, गोपनीय जानकारी की बात कर रहे हैं जी। देखिए ये जवाब सुनने को तैयार नहीं है, मेरी बात को पूरी पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है। स्वयं का गोपनीय जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है सच को सुनने को उनमें मादा नहीं है जी। रोक किस तरह से अपडेट हो रहा है अगला, वो किस तरह से जो मेरी बात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? रोक नहीं रहा भाई साहब, भाई आप सुनिए, बयानी कर रहे हैं कोई। अच्छा ठीक है, गलत बयानी तो करने दीजिए मेरे भाई, सुनिए ना भाई। आप कैसे सुनो? जनता तय करेगी, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, मैं कैसे सुनूं? जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। मैं जो बोल रहा हूँ मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, 4 लाख किसानों ने ज्यादा पंजीयन कराया है, आप कुछ भी और 4 लाख किसानों ने जो पंजीयन ज्यादा कराया वो 9 लाख एकड़ जमीन, मैं बता रहा हूँ आपको। ये भले नहीं डिक्लेयर कर रहे लेकिन हमारे भी स्रोत हैं, ये बता रहे हैं कि 15 साल हम आरोप लगाए हैं। कोर्ट जाइए आप, हम 15 साल से नहीं जाते हैं। एक आदमी सिंगल कोर्ट नहीं गया, तहसील ऑफिस नहीं गया, हमको भी ऑफिस नहीं गया, कलेक्टर ऑफिस नहीं गया। संदीप जी, चंद्रशेखर जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए प्रोग्राम यहीं समाप्त करता हूँ। भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है प्रोग्राम जानकारी देते हैं, मेरा समय समाप्त हो गया, इसलिए प्रोग्राम यहीं समाप्त, सोसाइटी से हमने जानकारी एकत्रित की है, यहीं समाप्त करता हूँ। मनोज जी पंजीयन करा, ये भले मत बताएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी इस तरह सीधे मीडिया पे आरोप मत लगाइए, ये मीडिया ही आपको 15 साल जीवित करके रखा था। मैं प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये मीडिया ही 15 साल जीवित कर रखा था। आज आप उनको प्रोपोगंडा की बात कर रहे हैं, आपके नजारे कितने प्रोपोगंडाओं को इस मीडिया ने आगे लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी आपका, संदीप जी आपका, मनोज जी आपका, हमारे साथ चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो धान की खरीदी को लेकर बीजेपी के साथ लेफ्ट की अखिल भारतीय किसान सभा भी सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई। हालांकि भाजपा के उलट उसने सरकार को आंकड़ों के साथ घेरा है। किसान सभा ने सरकार को याद दिलाया कि अभी सरकार के लक्ष्य मुताबिक 20% धान खरीदी बची हुई है। आज की तारीख तक करीब 3 लाख पंजीकृत किसानों ने अपनी धान नहीं बेची, लिहाजा धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए। सरकार पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि किसानों का करीब 5,000 हेक्टेयर रकबा कम किया गया है। बहरहाल जो बड़ा सवाल है वो यही है कि प्रदेश में करीब 19.5 लाख किसान धान बेचने वाले किसान के रूप में पंजीकृत है और इनमें अब तक 3 लाख किसान धान नहीं बेच पाए हैं। उनकी धान कैसे और कब बिकेगी है छत्तीसगढ़ के बाद।